Hello and welcome all of you, and you are watching K Commerce Academy with me, Kunal Singhal. So in the series of techniques of scientific management, today we will be studying method study and motion study. There are in all four kinds of studies under the techniques of management F.W. Taylor has propounded, that is method study, motion study, time study and fatigue study. Ye charon को कंबाइंडली हम वर्क स्टडी भी कहते हैं. कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डज वर्क स्टडी इंक्लूड्स. सो वर्क स्टडी इंक्लूड्स मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी. ऑल द फोर काइंड्स ऑफ स्टडीज आर इंक्लूडेड इन दैट. हाउएवर दीज आर द पार्ट्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इन टूडेज वीडियो विल बी डिस्कसिंग विद मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी. बिफोर स्टार्टिंग टूडेज वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बिकॉज जब मैं एनालिटिक्स देख रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया मोस्ट ऑफ द व्यूज नॉन सब्सक्राइबर्स की तरफ से आ रहे हैं. सो व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एज सून एज आई पोस्ट द न्यू वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट विद द मेथड स्टडी. मेथड स्टडी इज कंसर्न विद फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब. मैं आपको सिंपल से वर्ड्स बता दूँ. पहली बात तो ये कि स्टडी क्या होता है. स्टडी मीन्स कुछ पर्टिकुलर थिंग्स को ऑब्जर्व करके और किसी कॉन्क्लूजन पे आना. टू ऑब्जर्व सर्टेन थिंग्स एंड टू कम डाउन टू सर्टेन कॉन्क्लूजन. सो अंडर द मेथड स्टडी वी ऑब्जर्व वेरियस ऑल्टरनेटिव मेथड्स अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी, मेथड डी, काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स अवेलेबल होते हैं. और फिर हम देखते हैं कि इन चारों मेथड्स में मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं. आफ्टर इवेल्यूएटिंग देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स वी चूज वन बेस्ट मेथड. तो अब आप बताइए कि आप आउट ऑफ द फोर मेथड्स, फॉर एग्जांपल अगर चार मेथड आपके पास में हैं, सारे मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने उनके कंपेयर कर लिए, सो कौन से मेथड को आप बेस्ट मानेंगे? ऑब्वियसली द मेथड विच विल कॉस्ट यू द लीस्ट एंड प्रोवाइड्स यू द मैक्सिमम आउटपुट एट द मिनिमम कॉस्ट एट द टाइम. द मेथड विच विल कॉस्ट अस द लीस्ट विच विल प्रोवाइड अस द मैक्सिमम आउटपुट इन द मिनिमम टाइम पीरियड, वही हमारा बेस्ट मेथड होता है. सो बस यही है मेथड स्टडी में, कि जितने भी मेथड्स, ऑल्टरनेटिव मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं प्रोडक्शन के लिए, उनको आपस में कंपेयर करें एंड आफ्टर दैट वी विल चूज वन बेस्ट मेथड फॉर द प्रोडक्शन फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब. ये सिर्फ प्लेटफॉर्म एरिया की बात नहीं हो रही है, ऑफिस में भी हमारे पास में कई अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं. लाइक अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए हमारे पास वेरियस हैं कि वीडियोज से पढ़ सकते हैं हम, डायरेक्टली फेस टू फेस जूम ऐप यूज़ करके पढ़ सकते हैं. आफ्टर दैट हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग से पढ़ सकते हैं. तो ये वेरियस मेथड्स हैं. अब उसमें से हमने चूज़ किया बेस्ट मेथड क्या है, कि वीडियो से हम पढ़ सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम वीडियो को बार बार रिवाइंड करके कितनी बार भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं. सो वी हैव चूजन अ वन बेस्ट मेथड. ओके, टू डिटरमिन द बेस्ट वे देयर आर सेवरल पैरामीटर्स. अब कैसे हम चूज़ करेंगे? सो ऑब्वियसली वैसे तो मैंने बताया मेरिट्स और डीमेरिट्स को आप कंपेयर करेंगे, बट वी हैव सर्टेन पैरामीटर्स ऑल्सो. फोकस इज कैप्ट ऑन अटेनिंग बेस्ट क्वालिटी एट मिनिमम कॉस्ट. ये हमारा मेन फोकस होता है. द ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स. आप जगह जगह पे वीडियो को पॉज करके स्लाइड्स पे से जो भी मैंने टेक्स्ट मटेरियल अवेलेबल करवाया है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. इट विल एक्ट एज द नोट्स इन द एग्जामिनेशन फॉर यू. ये सारा का सारा जो टेक्स्ट है एनसीईआरटी बुक की लैंग्वेज से लिया गया है, सो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर स्कोरिंग बेस्ट मार्क्स फॉर यू. सो क्या ऑब्जेक्ट क्या रहता है मेथड स्टडी का? दो ही मेन ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ये हमारे मेथड स्टडी के मेन ऑब्जेक्टिव है. लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. टू डिज़ाइन अ कार, अगर ऑटोमोबाइल कंपनी है, टू डिज़ाइन अ कार द असेंबली लाइन प्रोडक्शन वुड नीड टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस. सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस की बात हो रही है, यानी कि जब हमने रॉ मटेरियल एक्वायर किया वहाँ से लेके जब हमने फाइनली उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया, ये जो पूरा प्रोसेस था जिसको हम जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं, जिसको हम प्रोडक्शन साइकिल भी बोलते हैं, ये जो पूरा प्रोडक्शन पीरियड था इसमें वेरियस सीक्वेंस सीक्वेंशली स्टेप्स हम डिसाइड करें. ओके, सो टू डिज़ाइन अ कार द असेंबली लाइन प्रोडक्शन
would need to decide the sequence of operations, place for men, machines, and raw materials. All this is a part of method study. So under the method study, सबसे पहले हम operations का sequence decide करेंगे कि किस sequence में हमें कौन कौन से steps को follow करना है, then कहाँ पे workers work करेंगे, कहाँ पे machines रखी जाएंगी और raw material कब कहाँ से कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें decide करना, it comes all under the method study. Let us come to the second one, motion study. The word motion means movement. Motion means movement. देखें क्या लिखा है. Motion study refers to making thorough analysis, strict analysis of various motions, of various movements being performed by a worker while he is doing a particular task. अब सीधी सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्कर काम कर रहा है किसी मशीन पे, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल वो जैसे मशीन नॉन लिविंग थिंग है वैसे ही वर्कर भी नॉन लिविंग थिंग की तरह वहीं खड़ा हुआ काम करता रहेगा. ऑब्वियसली वो हो सकता है थक जाए तो दो मिनट के लिए बैठ सकता है, हो सकता है उसको कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो वो कहीं से लेने जाने के लिए मूवमेंट कर सकता है, हो सकता है उसको कोई टूल चाहिए, कोई मशीनरी में ब्रेकडाउन हो गया उसको कोई टूल चाहिए तो वो लेने जाने के लिए वो वहाँ से चल सकता है, कहीं उसको पानी पीने जाना हो सकता है, कोई भी वर्क हो सकता है. ऑब्वियसली द मूवमेंट विल बी देयर अमंग द वर्कर्स. उन्हीं मूवमेंट्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बात हो रही है, काम करते समय जो वर्कर्स मूवमेंट करते हैं उसी को ऑब्जर्व करना है हमें. और फिर ऑब्जर्वेशन में हमें मेनली फोकस तीन पॉइंट्स पे करना है. अंडर द मोशन स्टडी द मेन फोकस इज ओवर थ्री पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स कब कब मूव कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स. जो वर्कर्स के मूवमेंट हैं उसमें से प्रोडक्टिव मूवमेंट्स कौन से हैं और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स कौन से हैं. ठीक है, अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड कंपलसरी है तो ऑब्वियसली मूवमेंट करना ही करना है. मशीनरी का मशीनरी वर्क करते करते एकदम से ब्रेकडाउन आ गया तो ऑब्वियसली वो जाएगा, स्क्रू ड्राइवर लेके आएगा और टूल्स लेके आएगा और मशीनरी को प्रॉपर सही करेगा उसको. ठीक है, तो प्रोडक्टिव है. सो प्रोडक्टिव पहले तो मूवमेंट्स आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उन मूवमेंट्स में प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को सेपरेट करना. एंड थर्डली टू टेक द इनिशिएटिव टू टेक एफर्ट्स टू एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स. हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रोडक्टिव थे और ये अनप्रोडक्टिव थे, तो अब उनको अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हमें किसी तरह से एलिमिनेट करना है, हमें किसी तरह से ख़त्म करना है. मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजिशंस एट्सेट्रा. सामान को उठाने में, सामान को कहीं रखने में, थोड़ी देर बैठने में और एक मशीन से दूसरी मशीन पे जाने में, ये सारे सिचुएशंस आ, मूवमेंट्स आ गए. लिफ्टिंग पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, लिफ्टिंग एंड पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग एंड चेंजिंग द पोजीशंस, इस तरह के ये मूवमेंट्स हो सकते हैं. सो मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग पुटिंग ऑब्जेक्ट्स सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशंस एट्सेट्रा विच आर अंडरटेकन वाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब. वो जो भी हमारा यूजुअल जॉब हम कर रहे हैं उसको करते समय जो भी हमारे मूवमेंट्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है. ऑन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी मोशंस, बॉडी मूवमेंट्स, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट प्रोडक्टिव, इंसिडेंटल एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स. और जब हम क्लोजली अगर इनको ऑब्जर्व करें तो हमें पता चल जाता है कि इसमें से प्रोडक्टिव कौन से थे और नॉन प्रोडक्टिव कौन से थे और इंसिडेंटल कौन से थे. देन द पर्पस इज टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी मूवमेंट्स और मोशंस. सो सेकेंडली हमें कुछ स्टेप लेना है क्या कि इसमें से जो अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करना है. इट हेल्प्स टू सेव टाइम एंड इंक्रीजेज द प्रोडक्शन. ऑब्वियसली दिस इज द रिजल्ट ऑफ मोशन स्टडी, दैट इज इट विल हेल्प्स टू सेव टाइम एंड इंक्रीजेज द प्रोडक्शन. लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. इफ इट इज ऑब्जर्व थ्रू मोशन स्टडी दैट वर्कर हैज़ टू मूव फ्रिक्वेंटली अगेन एंड अगेन for taking tools from toolbox, then such unnecessary movement can be eliminated by keeping the toolbox near the worker. भाई एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ. आपका टीचर है, उसको क्लास में पढ़ाने के लिए चॉक्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, और चॉक्स रखी हुई ऑफिस में और टीचर डेली स्टाफ रूम से आपकी क्लास तक आता है और फिर पहले वो ऑफिस जाता है, ऑफिस से चॉक्स लेता है, उसके बाद आपके क्लास रूम में आता है. तो क्यों ना हम अगर चॉक बॉक्स को स्टाफ रूम में ही रख दें तो टीचर का वो टाइम जो अननेसेसरी वो डेली ऑफिस में जा रहे थे वो बच जाएगा, या फिर हम एक चॉक बॉक्स को अगर क्लासरूम में रख दें तो वो टाइम बच जाएगा. सो यही है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स जो हैं
उनको एलिमिनेट करें, इट विल सेव टाइम। जितना 5 मिनट का समय चौक लेने जाने में लग रहा था, वो 5 मिनट एक्स्ट्रा क्लास में टीचर पढ़ा पाएगा। दिस इज कॉल्ड मेकिंग बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड एफर्ट। ओके, सो दिस वॉज द एग्जाम्पल। सो आज हमने दो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ी। मेथड स्टडी मेनली फोकसेज ऑन फाइंडिंग द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, वन बेस्ट मेथड। एंड मोशन स्टडी मेनली फोकसेज ऑन टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको एलिमिनेट करना है। कौन से वाले मूवमेंट्स को? अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, सो दैट योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन।